गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 3.7 का सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यू हैव टू इक्वेशंस, ओके, लीनियर इक्वेशंस, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अभी तक बेटा हमने 3.6 तक, इवन 7 चैप्टर के 3.7 के अंदर भी हमने जितनी भी इक्वेशन सोल्व की सबके अंदर क्या था, जो हमारे x और y वेरिएबल हैं उनके साथ जो थे वो जो कोफिशियंट्स थे वो नंबर्स थे, है ना। अब हमारे पास जो है वो कोफिशियंट्स हैं वो कैसे दे दिए इन्होंने, अल्फ़ाबेटिकली दे दिए। अल्फ़ाबेटिकली मतलब x का जो कोफिशियंट है वो p है, यहाँ पे y का कोफिशियंट q है और ये आपकी पूरी p माइनस q, ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म। सिमिलरली x का कोफिशियंट q हो जाएगा, y का कोफिशियंट माइनस p हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, p प्लस q, ओके, दैट इज आई मीन कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। यू हैव थ्री मैथड, दैट इज फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट मेरा जो फेवरेट मेथड है दैट इज एलिमिनेशन, ओके। मेरे पास जब टू लीनियर इक्वेशंस होती हैं, अगर मेरे पास ये मेंशन नहीं होता कि आपको किस मेथड से करना है, तो मैं हमेशा एलिमिनेशन ही करती हूँ और एलिमिनेशन जो है वो ईजी भी रहता है, ओके। नाउ मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन ही कराने वाली हूँ, बट आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड इस वहाँ पर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नेम ले लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को लेने के बाद नॉर्मली हम, हमारे पास जब सिंपल नंबर दिए होते थे कोफिशियंट में, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, या तो आप x के कोफिशियंट इक्वल कर दो या फिर आप y के कोफिशियंट इक्वल कर दो, ठीक है। अब इन कोफिशियंट्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, p और यहाँ पे क्या है, q। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इक्वेशन नंबर वन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ q से और इक्वेशन नंबर टू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ p से, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज x का जो कोफिशियंट है यहाँ पर p है, यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, q है, तो आप रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, मीन्स सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशियंट है उसको कर दो फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशियंट है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन में, ओके। तब क्या होगा, x के जो दोनों कोफिशियंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे मैं x को कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप y वाले को भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप राइट भी कर दोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय क्यू एंड इक्वेशन टू बाय पी। चलिए करिए मल्टीप्लाई, क्यू को पी से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका बनेगा पी क्यू एक्स, क्यू को क्यू वाई से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा ये आपका क्यू स्क्वायर वाई। अब क्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले क्यू को पी से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा बनेगा पी क्यू, और क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा बनेगा क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री। चलिए सेकेंड, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा पी क्यू एक्स, p को पी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस पी स्क्वायर वाई। अब इस p को p प्लस क्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर। नाउ सी हेयर, हेयर कोफिशियंट ऑफ x आर सेम, लेकिन दोनों क्या है आपके, पॉजिटिव है, ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन फोर को किस में से, थर्ड में से, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे। अब यहाँ तो टू टर्म्स हैं, तो टू टर्म्स हैं तो इनके दोनों के साइन चेंज होंगे, वो कैसे होंगे, ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा। पी क्यू एक्स से पी क्यू एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी क्यू स्क्वायर, चलो मैं इकट्ठा ही लिख देती हूँ एक बार, क्यू स्क्वायर वाई और साथ में क्या आ गया, पी स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस पी क्यू, अब ये फोर टर्म्स हैं हमारे पास, फोर टर्म्स हैं, इसमें से पी क्यू पॉजिटिव है और पी क्यू आपका नेगेटिव है, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं पे ही कैंसिल कर दो इसको, क्या आपके पास आया माइनस क्यू स्क्वायर एंड माइनस आपके पास बचा पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करो, y कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को नीचे लेके आओगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो ये आपके पास बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, वन आएगा और साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। अब क्या करो, आप पुट कर दो इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। वन क्या है मेरे पास, पी एक्स प्लस क्यू वाई दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पुट करेंगे हम यहाँ पर, y की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है। पी एक्स प्लस क्यू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। नाउ पी एक्स प्लस माइनस माइनस क्यू को वन से मल्टीप्लाई करोगे, क्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस क्यू को राइट साइड में लेके जाओगे, ये आपके पास बनेगा p माइनस क्यू, तो पड़ा ही है हमारे पास, ये जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस q से माइनस q कैंसिल, आपके पास आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू पी, दिस इम्प्लाइज पी बाय पी करेंगे, ये कट होके क्या आएगा आपका, वन। सो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वन एंड y इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, माइनस वन, और ये क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा हम सेवन्थ का सेकेंड पार्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।